आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो आपका पहला पार्ट है मनो, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला भाग पढ़ा और पहले भाग में हम मनो के आधे भाग का, यानी मनो पार्ट जो है उस पार्ट का आधा भाग पढ़ चुके थे, और आज हम दूसरे भाग के माध्यम से इस मनु का पूरा ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। और एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, तो आपके लिए युग मानिए कि ये एग्जाम नोट्स है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आगे की जो आप पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा, ताकि जब भी एग्जाम हो या किसी भी तरह की एग्जाम हो राजनीति विज्ञान से संबंधित, तो आप उनका उत्तर अवश्य दे सकें। तो मनु से संबंधित आज हम पूरा कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपके समझ में आने वाला है, ताकि क्या है कि पूरा आपका सिलेबस अच्छी तरह से हो जाए। पूरा सिलेबस करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक आपको जैसे राजनीति विज्ञान के दोनों पेपर, हिंदी साहित्य के दोनों पेपर, हिस्ट्री के दोनों पेपर, ज्योग्राफी के दोनों पेपर, साइक आपके सोशियोलॉजी जो है उसके दोनों पेपर, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर, और इसके साथ साथ अन्य जो आपके कंपलसरी के पेपर है उनको भी कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपनी स्टडी को इसी प्रकार सक्षम बनाते रहें, अच्छा बनाते रहें, आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर यदि पहली बार है, यदि चैनल में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उस पार्ट को अच्छी तरह से देख लें। मैं समझता हूं कि आप जरूर समझते होंगे। क्या अच्छा लगता है उसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मनु पार्ट जो है आपके पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे मनु से संबंधित प्रश्न आ गया कि मंत्रियों और मंत्री परिषद के बारे में मनु के क्या विचार है, लिखिए। तब आपको लिखना है कि मनु ने इस बात पर बल दिया है कि राज शक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वरन संस्थागत रूप में करना चाहिए, यानी एक मंत्रियों की मंत्री परिषद होनी चाहिए। अतः शासन कार्यों का संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, और मनु ने सामान्य रूप से मंत्रियों की संख्या 7 या 8 बताई है। 7 या 8 व्यक्तियों से युक्त मंत्री परिषद होनी चाहिए। छोटा प्रश्न आ सकता है कि मनु ने अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति का परामर्श दिया है, तो वो कितने हैं? अधिकतम 8 व्यक्तियों का उन्होंने दिया है। मंत्री पद पर जो नियुक्ति होती है उनके लिए योग्यताएं क्या क्या है उसके बारे में मनु लिखते हैं कि मनु के अनुसार राजा को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, सूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और परीक्षित, यानी व्यक्तियों को ही या प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। मनु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान, स्थिरचित अर्थात आपात स्थिति में भी नहीं घबराने वाला, शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित की अवहेलना नहीं करने वाला होना चाहिए। ये मंत्री की योग्यताएं हैं। मनु ने मंत्रियों के लिए आलस्य रहित, ज्ञानी और अपने काम के प्रति उत्साही होना भी आवश्यक माना है। ये मंत्री की योग्यताएं हैं। इसके अलावा मंत्रियों के अधिकार और दायित्व क्या क्या है, अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो ऐसा जैसे छोटा प्रश्न आ सकता है कि मनु के अनुसार मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार क्या है, तो मंत्री द्वारा अपने अधीन विभिन्न राज्य कार्य एवं अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्रियों के द्वारा आंतरिक व्यवस्था एवं परराष्ट्र संबंध सभी बातों के संबंध में राजा को निर्भयता के साथ परामर्श दिया जाना चाहिए, यानी आंतरिक व्यवस्था राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था के साथ साथ जो दूसरे परराष्ट्र संबंध यानी विदेशी राष्ट्रों से कैसा संबंध रखना चाहिए उसके बारे में भी मंत्री है वो राजा को परामर्श दे सकते हैं, देते हैं और देना चाहिए। दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति करना, भेजे गए दूतों और गुप्तचरों के कामों का मूल्यांकन करना, इन सभी बातों में राजा के लिए मंत्रियों से परामर्श करना आवश्यक होता है, मंत्रियों से परामर्श करना आवश्यक है, ये उन्होंने लिखा है। अब मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली बताइए। देखिए यहां पर प्रश्न आ सकता है कि मनु के अनुसार प्रतिपादित मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली क्या है, तो सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श, ये मंत्रिपरिषद का पहला काम है। मनु का मत है कि राजा को महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं के संबंध में दोहरे विचार विमर्श की स्थिति को अपनाना चाहिए।
समस्याओं पर पहले राजा मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा प्राप्त करे, इसके उपरांत इन समस्याओं पर सभी मंत्रियों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से विचार करे। दूसरा आपके प्रश्न इसका पॉइंट बनता है कि मंत्रणा की गोपनीयता, यानी जो भी मंत्रणा की जाती है राजा के साथ में जो भी बात की जाती है वो गोपनीय होनी चाहिए, उस बात में राज रखना चाहिए। मंत्री परिषद से संबंधित समस्त विवेचना में मनु ने मंत्रियों से प्राप्त समस्त मंत्रणा को बहुत ही गुप्त रखना आवश्यक बताया है। इस दृष्टि से उन्होंने मंत्रणा कहाँ होनी चाहिए, अपने मंत्रियों के साथ मंत्री परिषद की बैठक कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में मनु बताते हैं कि मनु की दृष्टि से पहाड़ पर या एकांत महल में या निर्जन वन में राजा को दूसरों से अज्ञात होते हुए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं हो। मंत्रणा के समय राजा को चाहिए कि जड़, गूंगे, बहरे, सुग्गा, तोता, मैना आदि पक्षी, अत्यंत वृद्ध, श्री मलेच, रोगी आदि को मंत्रणा स्थल से हटवा दे, क्योंकि ये सभी अपने अस्थिर बुद्धि के कारण मंत्र का प्रकाशन कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे गूंगे बहरे हैं या कोई बहुत अधिक वृद्ध आदमी है या कोई रोगी है या कोई घुसपैठिया है, इन प्रकार के व्यक्तियों का पास में होना नहीं चाहिए। मनु का मत है कि दिन के मध्य के समय अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद और अशांति से रहित सोकर के शासक को मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। अब यहां से एक छोटा प्रश्न आपके आ सकता है 50 यानी 20 शब्दों वाला कि मनु के अनुसार राजा को अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कब करनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि दिन के मध्य समय अथवा अर्धरात्रि के समय। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। दूसरा इस प्रकार का आपके प्रश्न बन सकता है इनमें से कि मनु द्वारा उल्लेखित प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था वो मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। मनु ने शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उसने कहा है कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में अपना राज स्थान स्थापित करें, अर्थात अपना महल स्थापित करें, और इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी करे। प्रशासनिक व्यवस्था का ये गठन है। गांवों के अधिकारियों के सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए पृथक मंत्री होना चाहिए। प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन, पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके तथा गुप्तचरों द्वारा अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर उन पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि गांव से लेकर के और उनके जो राजमहल तक शासन जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है, यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। हर गांव में वहां की जनता के जनता को न्याय देने के लिए वहां का न्यायाधीश भी होना चाहिए, प्रशासन भी होना चाहिए, पुलिस भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो वहां पर न्याय करने वाला व्यक्ति है उसके कार्यों का निरीक्षण भी समय समय पर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपके बनता है इस पार्ट में से कि मनुस्मृति के अनुसार दंड व्यवस्था का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दंड व्यवस्था कैसी है? मनु के अनुसार दंड राजशक्ति का एक निर्णायक तत्व होता है जिसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। यानी मनु ने सबसे ज्यादा दंड व्यवस्था को अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शासन अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड शक्ति अनिवार्य है, और उन्होंने उनके अनुसार दंड की सर्वोच्च महत्ता के क्या कारण है। पहली बात, दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है और इसी के कारण मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। यह सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। दंड ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है। चौथी इसकी विशेषता है कि दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। यानी दंड जो है एक राज्य के लिए दंड व्यवस्था का होना क्यों अनिवार्य है, इसके ये कारण है। 4, दंड शक्ति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि दंड की शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक सोच समझकर किया जाना चाहिए। दंड का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए होना चाहिए। अब ये भी देखिए, यहाँ पर राजा को पाबंद किया गया है कि ऐसा नहीं है कि दंड जो है मनमाने तरीके से किया जाए, और मनमाने तरीके से जिन राजाओं ने दंड का प्रयोग किया है उन राजाओं का पतन होते समय नहीं लगा है। और दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के कार्यों पर भी राजा के द्वारा कठोर निगरानी और नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो। यानी जिसे जिन व्यक्तियों को दंड की व्यवस्था दे रखी है उन व्यक्तियों का भी समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। अगर उनके काम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही मिलती है तो उसे तुरंत हटवा करके उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए।
चौथा प्रश्न आ जाता है कि मनु द्वारा निर्धारित कानून और न्याय व्यवस्था कैसी है, कानून और न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मनु ने कानून और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विधायिका का सुझाव दिया है जिसे उसने परिषद का नाम दिया है। कानून व्यवस्था को, कानून और न्याय व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए, उसने सक्षम बनाने के लिए उन्होंने एक परिषद का नाम दिया है कि वह एक परिषद होनी चाहिए। और मनु ने विधायिका की रचना का विशद रूप में उल्लेख भी किया है। परिषद कैसी होनी चाहिए, उसके अनुसार जो विधायिका बनती है या परिषद बनती है उनके सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। किंतु रचना के आधार पर बौद्धिक योग्यता रहने की संख्या 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता हो। किंतु रचना के आधार पर बौद्धिक योग्यता रहे नहीं की संख्या, उन्होंने कहा है कि बौद्धिक रूप से योग्य होना चाहिए। 3 व्यक्तियों में से एक को वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, निर्वक्ता होना चाहिए, मीमांसाकार होना चाहिए, निरुक्त का ज्ञाता होना चाहिए, धर्मशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए और 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के जानकार होने चाहिए। तीनों व्यक्ति जो है किसी न किसी व्यवसाय के जानकार होने चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कानून निर्माण के लिए परिषद की व्यवस्था के अतिरिक्त कुल, जाति, श्रेणी, जनपद जैसी संघीय व्यवस्थाएं स्वयं अपने नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। अब वहां मनु ने कहा था कि परिषद व्यवस्था जो होती है, परिषद के अलावा वहां पर जैसे जातीय, जैसे कुल से संबंधित, कुटुंब से, श्रेणी से संबंधित, जनपद से संबंधित, वहां गांव की कुछ संघीय संस्थाएं भी होती है जो अपने नियम बनाने हेतु, जिसको हम आज पंचायत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वहां पर गांव की पंचायत भी होती थी। और मनुस्मृति की शासन पद्धति में जनतंत्रीय प्रवृत्तियों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थिति विद्यमान थी, क्योंकि मनु का जो शासन था वो एक जनतंत्रीय शासन का प्रतिनिधित्व करता है। मनुस्मृति में जो न्याय व्यवस्था दी गई है, मनुस्मृति में कैसी न्याय व्यवस्था दी गई है, मनु के अनुसार विवाद 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2। एक तो हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद होता है और देने योग्य भूमि या धन न देने से उत्पन्न। एक तो हिंसा के कारण, यानी कहीं पर हिंसा होती है, चोरी होती है, लूटपाट होती है, उसके आधार पर। दूसरी जो है वो भूमि, जैसे भूमि या तो कोई मांग करता है या नाजायज मांग करता है, तो इससे उत्पन्न विवाद होता है। इन यही 2 विवाद के कारण होते हैं। और मनुस्मृति में वर्णन है कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे तो उस कार्य को देखने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के न्यायालय में विवादों का निर्णय करे। मनुस्मृति में राजा स्वयं विवादों का निर्णय नहीं करे तो क्या करते हैं, किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। और वो विद्वान ब्राह्मण है वो अन्य 3 विद्वान जो ब्राह्मण होगा वो अन्य 3 व्यक्तियों की कमेटी होगी, उन कमेटी के साथ मिलकर के वो न्यायालय में उस विवादों का निर्णय करेंगे। अगर चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यायाधीशों को सभी विवादों का निर्णय पूर्ण निष्पक्षता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात की है, जिस न्यायालय में सत्य को पीड़ित किया जाता है, सत्य का शोषण किया जाता है, तो वह न्यायालय ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वह न्यायालय पतन की ओर चला जाता है। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत, चेष्टाओं से मनुष्यों के आंतरिक भावों को जान सके, यानी न्यायाधीश भी ऐसे होने चाहिए जो निष्पक्ष न्याय देने वाले हो। इसके अलावा उनमें इतनी बुद्धिमत्ता हो कि व्यक्ति के भावों को, विचारों को और बातों को देख करके सही निर्णय को पकड़ सके। मनुस्मृति में प्रमाणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी जैसे मान लो न्याय है तो न्याय के लिए अपन देखते हैं गवाह चाहिए, प्रमाण चाहिए, और उन्होंने 2 तरह के प्रमाणों की बात कही है, एक तो मानुष प्रमाण और एक दिव्य प्रमाण। कितने मनुस्मृति में कितने प्रमाण लिखे गए हैं, 2 प्रमाण। मानुष प्रमाण है वो 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। ये 3 प्रकार के जो मानुष प्रमाण होते हैं। अब जैसे मान लो ऐसा लिखा जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार मानुष प्रमाण कितने हैं, तो 3 है, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनुस्मृति के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। जैसे मान लो किसी को बंदी बना करके उसे जो कुछ लिखवा दिया जाता है और जब न्यायालय में प्रस्तुत होकर के यदि वो बताता है कि ये सब मुझसे बंदी बना करके लिखवाया गया है, तो उस लिखित प्रमाण को भी नहीं माना जाना चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में आंख उदय का हाल होने के कारण ये भी विश्वसनीय होते हैं, किंतु मनु के अनुसार असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो झूठ बोलता है, जो किसी का सेवक होता है,
जो अपना शत्रु है या कोई सन्यासी है या कोढ़ी है, तो इनके कथनों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि मनुस्मृति में वर्णित दंड व्यवस्था क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए, अपराध के अनुसार होनी चाहिए। अपराध का क्या अनुपात है? मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में गतिशोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीन सिद्धांतों की बात की है। दंड व्यवस्था में तीन सिद्धांत बताए हैं, गतिशोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक, तीन सिद्धांत। मनु कहते हैं कि दंड देने से पूर्व अपराध का प्रसंग, अपराध की मात्रा, उसके प्रकार और स्वरूप, अपराधी की सामर्थ्य, देश काल, परिस्थिति, इन पर पूरा विचार कर लेना चाहिए। भाई अपराध कैसा है, अपराध की मात्रा क्या है, अपराध मतलब कितना संगीन है, अब किस प्रकार का अपराध किया है, और अपराधी जिसने अपराध किया है उसकी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो कितना दंड वहन कर सकता है, कौन सी परिस्थितियां थी उनकी, उन परिस्थितियों पर विचार कर लेना चाहिए। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो अपने आत्मरक्षा के लिए कोई तरह का, जैसे आत्मरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मार देता है, तो यानी वो है न्यायालयों में उनके दंड को कम किया जा सकता था। जैसे मान लो उसे कोई मारने आया और वह व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में जो उस पर हमला किया है उस व्यक्ति को उन्होंने मार दिया और अपने पूरे सबूत मिल जाते हैं, तो मनु कहते हैं कि इस प्रकार के दंड पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को दंड कम दिया जाना चाहिए, शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, तो इनमें से ब्राह्मण को कम दंड देने की बात कही गई है। अब दंड जो है उसने 5-6-7 प्रकार के दंड बताए हैं। एक तो वाग्दंड, वाग्दंड का अर्थ होता है समझाना बुझाना, समझाना बुझाना। एक होता है दिग्दंड, दिग्दंड में जिसके आता है निंदा करना, उसकी जैसे बुला करके निंदा करना। धन दंड, धन दंड का अर्थ होता है जुर्माना देना। काम दंड अथवा वध दंड, शारीरिक यातना और प्राण दंड भी दिया जा सकता है, ये काम दंड और वध दंड है। एक कारागार दंड है जिसमें उसे जेल में डाल दिया जाता है। जाति बहिष्कार दंड है जिसे मानव जाति से या उसकी जाति से बाहर कर दिया जाता है। प्रायश्चित दंड, प्रायश्चित का अर्थ होता है कि जैसे वो मनस्ताप कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है उसे, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। संपत्ति हरण दंड, जैसे मान लो इस प्रकार का है तो उसकी संपत्ति जब्त करके भी उसे दंड दिया जा सकता है, राज्य से निर्वासित भी किया जा सकता है। तो 9 प्रकार के दंड की व्यवस्था बताई है। मनु के द्वारा राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं की गई है, वो कहते हैं कि राजा पर भी जुर्माना किया जा सकता है। तो यह दंड व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न आ जाता है कि मनु के राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार कैसे हैं। राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी, जैसे अपना राजकोष बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए मनु ने क्या विचार दिए हैं, तो उनके बारे में देखिए। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य का संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए कोष की महती आवश्यकता होती है, अर्थात जब तक राज्य में कोष या खजाना नहीं होता है तब तक वह राज्य चलने वाला नहीं होता है। इसलिए राज्य को चलाने के लिए राजकोष होना जरूरी है, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। इसलिए मनु ने राजकोष को या राज्य की जो आय है, राज्य की जो इनकम है, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है। इनकम के प्रमुख साधन पहला बताया है बलि। बलि एक विशेष प्रकार का कर है, कर होता था जो भू संपत्तियों या भूमिपति, जो भूस्वामी होते थे, उन पर लगाया जाता था। जैसे जो खेत जोतते थे, खेती का काम करते थे, या जो किसान होते थे, किसानों पर ये बलि कर लगाया जाता था, और ये जनता से, राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। जनता को ऐसे यानी मजबूर नहीं किया जाता था, और वो लगभग यानी 1/8 है, वो अपनी उपज का 1/8 दिया करते थे, यानी लगभग जो है 1/8 दिया करते थे। यूं कह सकते हैं कि यानी जैसे 12.5% जो है, 12.5% यानी जितनी हुई 1/8 देते थे। दूसरा है शुल्क। शुल्क वह कर कहलाता है जो व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता है, और इसे चुंगी कर मान सकते हैं। जैसे आज भी जो चुंगी कर लगता है, जैसे वस्तुएं बिकती है उन पर चुंगी लगती है, ठीक उसी प्रकार ये शुल्क होता था। तीसरा है दंड कर। दंड में राजा या उसके अधिकारियों द्वारा अपराधों पर लगाए गए जुर्माने संबंधित है। जैसे मानो राजा किसी अपराधी को सजा देता है, जुर्माना लगाता है, तो वो जुर्माना भी राजकोष में ही शामिल किया जाता था। इसके अलावा चौथा जो उनके द्वारा आय का साधन है वो है भाग, और उस कर को कह सकते हैं जो मनु के अनुसार भूपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है, अर्थात जो किसान होते थे, भूस्वामी होते थे,
जमीन के मालिक होते थे, जो जमीन जोतते थे उनसे एक भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इसे आजकल लगान कहा जाता है। उपज का एक चौथाई तक लिया जा सकता है। इसके अलावा मनुस्मृति में तट कर है, राजपथ कर है, पशु कर है, शिल्प कर है, राजपथ कर जैसे अभी आजकल अपने टोल टैक्स लिया जाता है ना, तो इसी प्रकार जो है पशु कर है, जैसे उसके घर में पशु है, इतने पशु है तो उनसे वो टैक्स लिया जा सकता है। शिल्प कर भी लिया जाता था। आधुनिक करों का भी वर्णन इसमें किया गया है। और कर से संबंधित ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों को कर से मुक्त रखा गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि मनु ने किन व्यक्तियों को कर से मुक्त रखा है, तो ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थी और सन्यासी जो हैं, उनको उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण को भी कर से मुक्त रखा गया था। छठा यदि कोई प्रश्न बनता है तो वो बनता है कि मनु द्वारा निर्धारित कर वसूलने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कर वसूलने का जो सिद्धांत है वो क्या है, कर वसूलने के समय कर वसूलने के सिद्धांत के क्या उद्देश्य है? तो कर वसूलने के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। यदि जनता से कोई कर लिया जाता है तो उससे प्रजा का ही रक्षण होना चाहिए। मनु के अनुसार कर लेने का उद्देश्य और आधार प्रजा का रक्षण है, इसलिए राजा द्वारा कर लेने के बदले प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कर भी इसी दृष्टि से लिए जाने चाहिए। दूसरा था लाभ पर कर का सिद्धांत। इसका आशय है कि किसी व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लगाया जाना चाहिए। एक आदमी जैसे 1,00,000 रुपए का व्यापार करता है, 1,00,000 रुपए का व्यापार करने के पश्चात उसे उसका जो शुद्ध लाभ है वो कितना है, जैसे शुद्ध लाभ उसका 20,000 है, तो 20,000 पर ही टैक्स होना चाहिए, ना कि जैसे मान लो 1,20,000 पर। यानी ऐसा नहीं कि जैसे 20,000 तो इसके हो गए, 1,00,000 उस पर भी लगा दे, ऐसा नहीं। जो विशुद्ध लाभ है 20,000 उस पर ही लगाया जाना चाहिए। तीसरा है राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा के लिए ये जरूरी है कि उसके कारण राष्ट्र को संपन्न बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही कर लगाया जाना चाहिए। कर लगाने के लिए अपने देश का विकास किया जाए, इसी प्रकार के कर उनको लगाए जाने चाहिए। चौथा है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। राजा के द्वारा प्रजाजन से कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए कि कर देने में प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं हो। अगर मान लो जनता को प्रताड़ित करके, जनता को मजबूर करके कर लिया जाता है तो मनु जो है उसे उचित नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रजा से उतना ही कर लिया जाना चाहिए जितना वो प्रजा समर्थ होती है, प्रजा दे सकती है। राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करे, इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा है अधिक कर निषेध सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि अधिक कर नहीं लिया जाना चाहिए। राजा प्रजाजन पर उसकी सामर्थ्य से बाहर कर नहीं लगावे। व्यापारियों से कर उनके सभी प्रकार के लाभ और व्यय को देख कर लिया जाना चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु तथा स्वर्ण का 50वां भाग और भूमि की श्रेष्ठता, उपजाऊपन एवं परिश्रम आदि का विचार करके धान्य का 6ठा, 8वां या 12वां भाग ग्रहण करे। अब देखिए कितना कर लिया जाना चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु तथा स्वर्ण का तो 50वां भाग, अगर किसी के पास सोना है और है तो उसका तो 1/50वां भाग, या पशु है उसके पास जितने मूल्य के पशु है तो उनका 1/50वां भाग। अगर मान लो उनकी जमीन श्रेष्ठ है, उपजाऊ है, अच्छी जैसे उपज होती है तो ज्यादा ऐसे 6ठा भाग लिया जा सकता है, उससे कम हो तो उसका 8वां भाग, और भी अगर भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है तो उसका 12वां भाग लिया जाए। वृक्ष, मांस, घी, गंध, औषधि, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की बनी सभी वस्तुओं का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, मांस से संबंधित है, घी है, अगर गंध से संबंधित सुगंधित है, औषधि है, कपड़ा है, मिट्टी के बर्तन है, पत्थर की बनी हुई कोई वस्तु है, उनसे अगर कोई लाभ होता है तो उसका 1/6 लिया जाना चाहिए। कारीगर, बढ़ई, बोझ ढोने वाले मजदूर आदि से राजा प्रतिमास 1 दिन काम करा। जैसे कोई कारीगर है, खाती है यानी बढ़ई का काम करता है, या कोई मजदूर है, तो इनसे राजा है वो अपने महल में, अपने राज्य में कोई भी काम होता है तो उस आदमी से 1 दिन का काम ले सकते हैं। ये उनका कर का तरीका है। राजा को अंधे, जड़, पंगु और 70 वर्ष से अधिक बूढ़े व्यक्तियों से कोई कर नहीं लेना चाहिए। इतनी अच्छी बात कही है। आगे लिखा है कि परराष्ट्र संबंधों पर मनु के क्या विचार है, अर्थात विदेशी राज्यों से किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। उसमें उन्होंने एक तो दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, एक तो मंडल सिद्धांत और एक शाटकुनी नीति, यानी 6 तरह की नीतियां बताई है और एक मंडल सिद्धांत बताया है कि इसके अनुसार राजा को
दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ करना व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंडल सिद्धांत क्या है। प्रश्न आ सकता है मंडल सिद्धांत क्या है, तो मनु के अनुसार राजा को क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु जो है विजय की सु राजा को माना जाए। विजय की सु अर्थ होता है जो राजा विजय की प्राप्ति करना चाहता है, जैसे जो राजा अपना राज्य को बढ़ाना चाहता है वो विजय की सु है। और विजय की सु राजा को केंद्र में बना करके उन्होंने 12 मंडलों की रचना की है। 12 मंडलों, जैसे यहां पर तो ये राजा है, इसके 6 इधर है, 6 इधर है, यानी ये बीच में है, ये दोनों तरफ किस प्रकार बढ़ता है, इधर भी है इधर भी है। तो इस प्रकार उन्होंने 12 राज्यों की व्यवस्था की है। मनु क्या मानता है, मनु ये मानता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। बिल्कुल सही है, एक अपना देश अपना पड़ोसी देश शत्रु होता है, और मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है। अगर मान लो अपने देश का, जैसे मान लो ये अपना देश है, ठीक है, ये अपना देश है, यहाँ ये अपना शत्रु है, इसके जैसे सीमा पर लगा हुआ तो ये इसका शत्रु है लेकिन अपने देश का क्या है, मित्र है। तो अपने अपने जैसे शत्रु का शत्रु मित्र और मित्र का मित्र मित्र। अब जैसे मान लो ये इसका है लेकिन ये इसका मित्र है, तो ये इसका मित्र है तो इसका भी मित्र हो जाएगा। शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगिसु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य जो राज्य होगा वह अरी राज्य होगा, यानी जो दुश्मन राज्य होगा, अपना पड़ोसी राज्य दुश्मन राज्य होगा। विजिगिसु राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरी मित्र होता है। ये 5 राज्य तो विजिगिसु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इस प्रकार कुछ राज्य देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझिए। जैसे ये विजिगिसु राज्य है, ये विजिगिसु है, तो ये तो क्या है, जैसे सामने का है तो ये दुश्मन होगा, ये दुश्मन का शत्रु है, तो अब इस राज्य का क्या हो गया, मित्र हो गया। ये अरी अरी मित्र है तो ये शत्रु हो गया, ठीक है, ये अरी शत्रु है तो ये अपने विजिगिसु का मित्र हो गया। ये अरी मित्र मित्र अरी मित्र मित्र तो अरी मित्र का जो है ये अपना मित्र हो गया, ये वापस शत्रु हो गया। इस प्रकार इसी प्रकार ये पीठ का शत्रु है, मतलब ये भी लगा हुआ है तो ये शत्रु है, लेकिन ये अपने देश अपने राज्य का विजिगिसु का मित्र है, ये शत्रु है, ये फिर मित्र है। तो इस प्रकार इनकी रचना होती है। एक विजिगिसु राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य जिसको पाणिग्राह कहा जाता है, पीछे का शत्रु, पीछे के शत्रु को क्या कहा जाता है, पाणिग्राह। आक्रांदा किसको कहते हैं, आक्रांदा कहते हैं शत्रु का शत्रु, यानी पीठ का मित्र जो होता है, शत्रु का शत्रु इसका मतलब अपना मित्र, पाषाणिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य। और पाणिग्राह सार अर्थात पाणिग्राह का मित्र, आक्रांदा सार मतलब आक्रांदा मतलब इस प्रकार अपन ने जो समझा है, जैसे ये राजा है इधर वाले और इधर वाले, जैसे यहां इसके बाद ये क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार ये मित्र नहीं शत्रु, ये मित्र और ये शत्रु, इस प्रकार वो राज्य का जो है स्थिति बनती जाती है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य होते हैं। ये तो 10 राज्य तो हो गए, 5-5 वाले। अब क्या है कि 2 अन्य राज्य होते हैं जिसमें एक मध्यम होता है, एक उदासीन होता है। मध्यम राज्य कैसे होते हैं, ऐसा राज्य है, मध्यम राज्य ऐसा है जिसका प्रदेश विजिगिसु तथा अरी राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु, सहायता करने में समर्थ होते हैं। मध्यम राज्य आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। मध्यम राज्य वो होता है जो विजिगिसु और अरी राज्य दोनों की सीमाओं से लगा हुआ होता है, यानी जैसे मध्यम राज्य जो होता है ये बीच का जो राज्य है, तो ये इसकी सीमा से भी इसकी सीमा से भी लगा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, यानी ये जो है यानी इतना बलवान होता है कि ये दोनों की सहायता भी कर सकता है, दोनों को नष्ट भी कर सकता है। एक उदासीन राज्य होता है, राज्य का प्रदेश विजिगिसु अरी तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। ये उदासीन क्या होता है, अरी मध्यम और विजिगिसु इन तीनों से परे जो राज्य होता है वो उदासीन राज्य होता है, और ये भी बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि इन तीनों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो शक्तिशाली होता है, वो चाहे तो इन राज्यों को अपने वश में कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्यमंडल कहलाता है। 12 राज्य होते हैं, 5 तो जो है वो जैसे ये तो खुद है ही, 5 इधर 5 इधर, इसके बाद 1 इधर होता है 1 इधर होता है, तो इस प्रकार कितने मंडल में कितने राज्य हो गए, 12 राज्य हो गए। आगे जैसे प्रश्न बनता है कि मनु द्वारा प्रतिपादित 60 गुणी नीति क्या है, 60 गुणी नीति क्या है बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है।
साठगुणिया का अर्थ है 6 लक्षणों वाली नीति, और इस नीति के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। साठगुणिया नीति के 6 लक्षण या 6 स्थितियां हैं। साठगुणिया नीति में मतलब 6 स्थितियां बताई जाती है और 6ों को इस प्रकार बताते हैं साठगुणिया नीति में, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, वेदी भाव और संश्रय, ये होते हैं। अब संधि क्या है, देखिए संधि अगर हम देखें साठगुणिया नीति पहला जो पार्ट है वह है संधि। अब संधि क्या है, देखिए संधि में आप देखिए कि संधि राजा, यदि राजा को वह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। यदि राजा को वह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध करने पर अगर हम इस राज्य से मित्रता करेंगे तो भविष्य में हमें लाभ होगा तो उस राज्य से मैत्री कर लेनी चाहिए। मनु ने संधि के 2 भाग बताए हैं, समानकर्मा संधि। समानकर्मा संधि का अर्थ होता है समान शक्तियों के बीच में संधि होती है। एक होती है असमानकर्मा संधि जिसमें असमान शक्तियों के बीच होती है, यानी समानकर्मा का क्या अर्थ होता है कि जितना अपने पड़ोसी को देते हैं उतना ही उससे वापस लेते हैं, तो समानकर्मा हो गई। एक असमानकर्मा होती है जिसमें जैसे मान लो उसे हर्जाना भी उठाना पड़ सकता है, चाहे कैसे भी करो उसे संधि की जाती है, उसे चाहे ज्यादा कुछ दे करके भी। दूसरा साठगुणी नीति में है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। विग्रह का अर्थ क्या होता है, युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनुस्मृति में विग्रह 2 प्रकार के बताए गए हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं, एक तो शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी शत्रु पक्ष की क्या क्या कमजोरियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके और उन पर अटैक कर देना, ये उसका पहला भाग है। दूसरा है मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाना, जैसे मान लो अपने राज्य का मित्र राज्य है और उस राज्य पर यदि किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण किया है तो भी हम उस पर उससे विग्रह कर सकते हैं, यानी उस पर अटैक किया जा सकता है। तीसरा साठगुणी नीति में है यान, और यान का अर्थ है वास्तविक रूप से आक्रमण करना। यान का अर्थ क्या होता है, वास्तविक रूप से आक्रमण करना। यान की स्थिति तो तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में। यान कब किया जाना चाहिए, वास्तविक रूप से आक्रमण कब किया जाना चाहिए, जब अपना राज्य शक्तिशाली हो और दूसरे राज्य की स्थिति दुर्बल हो तब ये यान की स्थिति अपनाई जानी चाहिए। यान भी उसने 2 प्रकार के बताए हैं, या तो शत्रु आपत्ति में हो, अगर जैसे मान लो शत्रु किसी दूसरे राज्य के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है या जैसे उसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप आ गया है तो उस स्थिति में उसे अपने अंडर में किया जा सकता है। आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ नहीं हो और वे मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करना, ये यान 2 प्रकार के होते हैं। यान जैसे मान लो स्वयं राज्य जो है उस पर आक्रमण करने में बलवान नहीं है अर्थात योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वह अपने मित्र की सहायता लेकर के अपने शत्रु पर आक्रमण कर सकता है। चौथी जो साठगुणी नीति में 4था पॉइंट है वो होता है आसन। आसन का अर्थ क्या है, आसन मतलब अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपना करके थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता की स्थिति को आसन कहा जाता है। आसन का मतलब है कि जैसे मान लो एक शत्रु है और वो शत्रु हमें बार बार प्रताड़ित करता है, युद्ध के लिए चुनौती देता है, लेकिन हमारी राज्य की स्थिति है वो उस चुनौती को स्वीकार करने की योग्यता नहीं है, तो उस समय राजा को आसन ग्रहण करना चाहिए। आसन का अर्थ है कि उसमें युद्ध नहीं करना चाहिए, थोड़ी तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए, और आसन जो है वो अल्पकाल के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सदा के लिए आसन की स्थिति को अपना लिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मनु ने आसन के 2 रूप बताए हैं, एक तो सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर, जैसे मान लो सेना में सैनिक नहीं है या जैसे मान लो राजकोष में पैसे खत्म हो गए हैं, आर्थिक व्यवस्था डावाडोल हो गई है, तो राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा मित्र के अनुरोध पर अपनाया गया आसन भाव, जैसे मान लो आपके शत्रु है, आपका मित्र है इस राज्य का, और वो ये कहता है कि नहीं अभी हमारा मौका नहीं है, तो उस समय भी आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। साठगुणी नीति का 5वां जो पार्ट है वो है द्वेधी भाव। द्वेधी भाव यानी मनु के अनुसार द्वेधी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली एक रणनीति है। द्वेधी भाव का अर्थ है जैसे मान लो एक राज्य है वो अपने राज्य से ज्यादा शक्तिशाली है, तो उस समय हमें द्वेधी भाव अपनाया जाना चाहिए, और द्वेधी भाव अपनाने के लिए क्या करना चाहिए। द्वेधी भाव राजा को मनु ये परामर्श देता है कि यदि किसी शत्रु को खुद से शक्तिशाली समझता है
तो वह अपनी सेना को दो बराबर भागों में बांट ले, बराबर भागों में बांट ले। अब युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध तो होना ही है, तो उस समय सेना को कितने भागों में बांटे, दो भागों, दो भागों में बांट करके सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोक के रखने का काम करे और शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता शक्ति का संचय करे। जैसे मान लो सेना जो है, एक सेना, सेना के दो भाग करके एक पक्ष को तो शत्रु सेना को रोकने के लिए वहां पर डटकर डांट दिया जाए, रोक दिया जाए, जिससे वो शत्रु का मुकाबला करती रहे, हो सकता है उनमें अपने सैनिकों का नाश हो, विनाश हो, सैनिक भी मरेंगे, लेकिन शेष जो सेना होगी उस सेना को लेकर के या तो अपने मित्र से रक्षा का अनुरोध करे या जैसे मान लो है स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वो शक्ति का संचय करे। और छठी जो षाड्गुणी नीति की है वो है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है कि बलवान राजा का आश्रय लेना। संश्रय का अर्थ क्या होता है, बलवान राजा का आश्रय लेना। यदि राजा द्वैती भाव की रणनीति अपना कर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता है तो उसे शत्रु से अधिक बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। ये छह प्रकार की नीतियां बताई है षाड्गुणी नीति जिसको कहा जाता है। नौवां प्रश्न है कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मनु के अनुसार कौन से उपाय काम में लेने चाहिए। जैसे एक राजा है अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहता है तो उसे कौन से उपाय काम में लेने चाहिए। चार प्रकार के उपाय उन्होंने बताए हैं। मनु ने चार उपायों का विधान किया है विदेश नीति के सफल संचालन के लिए, और वो क्या है, साम, दाम, दंड और भेद। साम, साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान लेकर, समझा बुझाकर राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास। साम का अर्थ यूं कह सकते हैं कि विनती करना, यानी एक राजा से सम्मान लेकर के उससे विनती करके समझा बुझा करके और अपने पक्ष में किया जाता है तो वो साम है। दाम का अर्थ है कि अपने प्रतिपक्ष को धन संपत्ति देकर के किसी रूप में सहायता देकर के अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहला। दाम का मतलब हम रुपए कह सकते हैं, रिश्वत देकर के उसे अपना बनाया जाए। तीसरा है भेद। भेद का अर्थ है फूट डालना, यानी फूट डाल करके और शत्रु पर विजय प्राप्त करना। जैसे मान लो भेद के दो उपाय बताए उन्होंने, सबल राजा और उसके मित्र तथा उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। भेद का अर्थ है उन्होंने कहा कि जैसे मान लो राजा को क्या करना चाहिए, उस राज्य में भेद की स्थिति अपनानी चाहिए। जैसे खुद अगर राजा सबल है और उसके मित्र राज्य हैं उनके बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करना, अर्थात षड्यंत्र रच करके और उन दोनों को आपस में लड़वाना, ताकि क्या है कि उनकी शक्तियां क्षीण हो जाए और वह उसे जीत ले। दूसरा है संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों जैसे अमात्य, सेनापति, प्रजाजन के बीच मतभेद स्थितियां उत्पन्न कर दी जानी चाहिए, जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। जैसे दूसरी उन्होंने बात बताई है कि जैसे मान लो अपने उस राज्य के जो मंत्री है, सेनापति है, प्रजा है, उनके बीच में इस प्रकार की बातें भर देना कि जनता उसके खिलाफ हो जाए। ये दो तरह के उन्होंने भेद अपनाए हैं। चौथी जो है वह है दंड। दंड का अर्थ है युद्ध, और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब अन्य तीन उपाय, साम, दाम और भेद, जब काम नहीं करते हैं तो दंड की स्थिति अपनाना जरूरी हो जाता है। राजा साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। इसलिए मनु ने कहा कि जहां तक हो सकता है दंड का उपयोग नहीं ले, लेकिन जब आवश्यक हो जाता है तो फिर दंड का उपयोग लिया जाना चाहिए। अगर राज्य निर्बल है तो उस स्थिति में तो दंड का उपयोग ले सकते हैं। दसवां है परराष्ट्र संबंधों पर मनु के विचारों की विवेचना कीजिए, अर्थात विदेशी राष्ट्र जो है उनसे किस प्रकार की के संबंध होने चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन और व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए इनके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने पहली बात बताई है दूत व्यवस्था, अर्थात एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में दूत नियुक्त करना, जिसको राजदूत कह सकते हैं, एम्बेसडर कह सकते हैं। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार बहुत कुछ सीमा तक वो दूत होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच युद्ध करा सकता है। तो इसका मतलब दूत है तो दूत की योग्यताएं क्या है। मनु ने लिखा है कि दूत को शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, इंगित, आकार और चेष्टा जानने की क्षमता होनी चाहिए, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए,
चतुर होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। उसमें प्रबल ईमानदार होना चाहिए वो, राज्य और राजा के प्रति उसकी गहरी निष्ठा होनी चाहिए, जिससे वो अगर कोई शत्रु उसे कोई प्रलोभन देता है तो उस प्रलोभन का भी शिकार नहीं हो, इस प्रकार की योग्यताएं उस व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने व्यवस्था बताई है परराष्ट्र संबंधों गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचर व्यवस्था भी, अर्थात अपने गुप्तचर है वो उस राज्य में होने चाहिए। गुप्तचरों का यह भी काम होता है कि वे अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए तथा उनकी गतिविधियों के बारे में राजा को सूचित करें। ग्यारहवां प्रश्न है कि मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था क्या है। मनु स्मृति में राज्य दर्शन की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है और सामाजिक व्यवस्था के उसने दो अंग बताए हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था में क्या बताते हैं मनु, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं कि मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को चार वर्गों में बांटा गया है जिनको वर्ण का नाम दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान ये चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और विभिन्न वर्ण जो है, अब जैसे मान लो अलग ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, इनके अलग अलग कर्तव्य हैं। इनके कर्तव्य में जैसे ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हैं, मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है और ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, इस कारण वो ज्येष्ठ है अर्थात सबसे बड़ा है और वो वेदों को धारण करने वाला है, अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना है। किसने, मनु ने। और मनुस्मृति में यह भी बात कही है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है और मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है। मनु ने सदैव ब्राह्मण को सदैव वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने का निर्देश दिया है कि वेद सम्मत बातों का यानी अपने जीवन में अपनाए। दूसरा होता है क्षत्रिय, क्षत्रियों के कर्तव्यों के बारे में वो कहते हैं कि क्षत्रियों का प्रमुख काम है प्रजा की रक्षा करना, दान देना और यज्ञ करना, अध्ययन करना और जो विषय हैं उनमें आसक्ति नहीं रखना, अर्थात सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उसमें आसक्ति नहीं रखना। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का सबसे बड़ा दायित्व सौंप करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उन्हें भी उच्च स्थान प्रदान किया है। तीसरा जो वर्ण होता है वो होता है वैश्य, और वैश्यों के कर्तव्य का उन्होंने लिखा है कि अगर राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास में यदि कोई भूमिका निभाता है तो वो वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्य को प्रमुख कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि काम करना, ये सारे काम है जो उन्होंने ये बताए हैं। चौथा है उन्होंने बताया है शूद्र, और शूद्रों के दायित्व उन्होंने बताए हैं कि समाज के जो तीन वर्ण है ऊपर वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना उन्होंने ये बताया है, जो कि वर्तमान समय में इसको अवैध ठहराया गया है। वर्तमान समय में इस पर ही सबसे ज्यादा अंगुली उठती है। मनु का क्या मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार नहीं करना चाहिए, और मनु ने कहा है कि शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में जो है बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक प्रश्न आपके बनता है इसके आधार पर, क्या प्रश्न बनता है कि मनु की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के प्रति घोर अपमान और भेदभाव किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में अगर मान लो ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप लिखेंगे कि मनु की समाज व्यवस्था में शूद्रों के प्रति जो घोर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीति है उसको इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि मनु ने शूद्रों को समाज के अन्य वर्णों के समान स्वतंत्र और नागरिक स्तरता नागरिकों का स्तर प्रदान नहीं किया है। मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया है, और मनु दास के रूप में शूद्र को वेतन देना भी अनिवार्य नहीं मानते। मनु कहते हैं कि अगर वो दास है तो उसे केवल खाना खिला दिया जाए, इसके अलावा उसे वेतन देना जरूरी नहीं है। मनु का यह भी लिखा हुआ है कि यदि स्वामी मुक्त भी कर दे तो भी शूद्र है, वो अपने दासत्व से मुक्त नहीं होता है क्योंकि उसका दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। यहां पर जो उन्होंने जो मनुष्यता की बात है उस पर उन्होंने विचार नहीं किया है, मनुष्य को मनुष्य नहीं माना है, क्योंकि चाहे शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सभी मनुष्य है। तो इस पर इन्होंने एक बात और लिखी है कि मनु जो है दास प्रथा को मान्यता देते हैं और किसी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को बनाए जाने का निषेध किया, और उन्होंने कहा कि शूद्र जो है या दास जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को नहीं बना करके शूद्र को ही बनाया जाना चाहिए, जो कि गलत है। मनुस्मृति में एक स्थान पर वो लिखते हैं कि यदि शूद्र के कान में गलती से कोई वेद मंत्र पढ़ा दिया जाता है पढ़ जाए तो
तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए, जो कि एक मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। इस प्रकार की विचारधारा एक बहुत बड़े व्यक्तित्व में नहीं होनी चाहिए। शूद्रों के प्रति व्यवहार संबंधी मनु की समस्त धारणा न केवल प्रबल आलोचना की पात्र है, वरन घोर निंदनीय है। यानी ये जो शूद्रों के प्रति जो उनकी व्यवस्था है वो घोर निंदनीय है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा 13वां प्रश्न बनता है कि मनु द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था क्या है। मनु ने आश्रम व्यवस्था अर्थात मनु का कहना है कि अब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, और उसने कहा कि अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि ये जो चारों काम है धर्म अर्थ काम और मोक्ष है ये प्राप्त हो जाए। और जीवन के चार आश्रम उन्होंने बताए हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। चार प्रकार के आश्रम उन्होंने बताए हैं। मनु के अनुसार इन चार आश्रमों का विधि विधान इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य में जीवन के प्रथम 25 वर्ष यानी 0 से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और इस आश्रम में व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना है। और ये आश्रम व्यवस्था विशेष रूप से ब्रह्मचर्य जिसमें शिक्षा प्राप्त करना और वेदों का अध्ययन करना है, और ये केवल पुरुषों के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। जब उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात वो विद्या अध्ययन करना शुरू करेगा। और मान्यता यह है कि विद्वान आचार्य की संगति से ही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और विनयशील बनता है, चरित्रवान बनता है। इसलिए मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विषयों के विलासा पैदा करने वाला जो काम है, जैसे शरीर के अंग पर तेल मालिश करना है, जूता छाता धारण करना है, और जैसे नाचना गाना बजाना, क्रोध लोभ जीवों के प्रति हिंसा, इन सब का निषेध किया, इनसे दूर रहने की बात कही है। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिय दमन करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का अर्पण, प्रातः और सायंकाल हवन आवश्यक। मनु ने कहा है कि हर समय जो है वो सकारात्मक विचारों के साथ अध्यात्म से लगा रहे, तभी क्या है कि वो सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त रह सकता है। दूसरा उन्होंने लिखा है ग्रस्त आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का दूसरा चतुर्थांश यानी जो है 26 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक है व्यक्ति को ग्रस्त आश्रम की पालना करनी चाहिए। और मनुस्मृति में यह लिखा गया है कि ग्रस्त को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों अनुसार विवाह करना चाहिए। और ग्रस्त आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम की सिद्धि करना, परिवार पालन करना, धन कमाना, ये सारी स्थितियां हैं। और अर्थोपार्जन आवश्यक है, लेकिन इस काम को करने के लिए धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन कमाते समय किसी जीवन या जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दान देना और विद्या अध्ययन को जारी रखना भी ग्रस्त के लिए आवश्यक है। दान तो देगा ही, इसके साथ साथ जो उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्या अध्ययन किया था उसे हमेशा जारी रखे। मनुस्मृति में ग्रस्त के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति, धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का निषेध किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तीसरा जो आश्रम आता है वो आता है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद यानी 51 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक है वानप्रस्थ माना है। और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उनके लिए वानप्रस्थ का विश्राम विधान किया है। वानप्रस्थ जो है वह है स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है, यानी इस समय जो है वो स्वयं स्वाध्याय करे और समर्पित होकर के अपने आत्म कल्याण की तरफ चले। मनु के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ वह अथवा अकेले वन गमन कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थान, या तो अपनी पत्नी होती है तो पत्नी के साथ, या फिर अकेले ही चले जाना चाहिए। अब उसे जैसे मान अपमान का, शीत ताप का, सुख दुख का, इस प्रकार की कोई स्थिति का विचार नहीं करें और सबके प्रति मित्रता का भाव बनाए रखना चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण जो है बहुत जरूरी रखा गया है। इसके साथ साथ अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना, दान जरूरी है। चौथा है उसका संन्यास आश्रम। जीवन का जो अंतिम चतुर्थांश है छिंत्र वर्ष से लेकर के 100 तक माना है, लेकिन छिंत्र के बाद जितने भी है उसमें संन्यासी रह जाना चाहिए। और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरक का गामी होता है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पुत्र प्राप्ति होना जरूरी है, पितृ ऋण से ऋण होना जरूरी है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण, कठोर तपस्या सन्यासी का
एक मार्ग है, इसे अपना करके मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जन, घर, सांसारिक सुखों और स्वयं के शरीर के प्रति किसी प्रकार का मोह है उसे नहीं रखना चाहिए। राग और द्वेष से जीव हत्या से दूर रहना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बैर भाव की भावना नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का मान अपमान की बात उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इतने बातें हैं जो है उन्होंने बताई है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं समझता हूं कि यहां तक समझने के पश्चात आप बहुत अधिक समझ चुके हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।